दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने YouTube चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था किस तरह से अपने Android फ़ोन के अंदर इंटरनेट ऑडियो को रिकॉर्ड करते हो। अगर आप एक PUBG स्ट्रीम करना चाहते हो और PUBG का साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखना। इस वीडियो के अंदर मैं जो ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगा वो आपके फ़ोन के ऊपर 100% वर्क करेगा। इसके साथ आपके जो डिवाइस का इंटरनल साउंड है वो भी आप रिकॉर्ड कर पाओगे। आपको बता दो दोस्तों, जो पुराना वीडियो था, पुराना वीडियो के अंदर मैं AZ स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ किया था। इसके साथ मैंने दिखाया था किस तरह से दोस्तों आप इंटरनल जो ऑडियो होता है उसे किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो। इन डिफॉल्ट दोस्तों गूगल सपोर्ट नहीं करता है, गूगल अलाउ नहीं करते हैं इंटरनल ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए एंड्रॉयड के अंदर। पर दोस्तों ये जो ट्रिक है दोस्तों ये 100% वर्क करेगी अपने डिवाइस के ऊपर। जो पुराना वीडियो था उस वीडियो के अंदर ढेर सारी कमेंट मुझे मिला, मेरे डिवाइस के ऊपर काम नहीं कर रहा है, मेरे डिवाइस के ऊपर काम नहीं कर रहा है। सो फाइनली ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ और ये मैंने खुद ने ट्राई करके देखा है और बहुत अच्छे से दोस्तों ये ट्रिक काम कर रही है। सो इस वीडियो को पूरा देखना, उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को दबाने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। सो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। पहला जो एप्लीकेशन है दोस्तों ये साउंड स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन है। सेकंड जो एप्लीकेशन है दोस्तों इंटरनल साउंड रिकॉर्डर एप्लीकेशन है। थर्ड नंबर जो एप्लीकेशन है स्ट्रीमिंग के लिए एप्लीकेशन है। अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो थर्ड नंबर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सेकंड नंबर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। अगर आप सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड विद इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो नंबर 1 और नंबर 2 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, ठीक है। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ दोस्तों तीनों एप्लीकेशन को ही डाउनलोड कर लीजिए। सो आपको दिखाया था वो तो पहला वाला जो एप्लीकेशन है, जो इस एप्लीकेशन का नाम है रिकैप मी। सो किस तरह से कुछ अलाउ कर देना होगा परमिशन। एप्लीकेशन इसलिए इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको ढेर सारी एड्स दिखाई देगी। अगर आप एड्स को नहीं देखना चाहते हो तो इसका पेड वर्जन आप खरीद सकते हो। सो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको होता है। सो इसके यूजर इंटरफेस बहुत ही ईजी है दोस्तों, यहाँ पर जैसे भी देख पा रहे हो बाय ए प्रो वर्सन। सो यहाँ से आप चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हो, पर इसके तहत दोस्तों आपको बता दूँ यहाँ पर चाहो तो आप कुछ सीरीज में भी चेंजेस कर सकते हो रिकॉर्डिंग प्रिफरेंस के अंदर। यहाँ पर चाहो तो आप 60 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पर 60 FPS कर देना चाहता हूँ और फुल HD के अंदर मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो हार्डवेयर का फॉर्मेट भी आप चेंज कर पाओगे। ऑडियो यहाँ पर देख पा रहे हो, सो यहाँ पर देखो दोस्तों ऐसे भी देख पा रहे हो यहाँ पर सीरीज के अंदर आके जो ऑडियो प्रेफरेंस है इसके अंदर आप देख पा रहे हो इंटरनल ऑडियो प्लगइन रूट। सो क्या करना होगा दोस्तों आपको, सिंपली आपको यहाँ पर टैप करना होगा। सो आपको प्ले स्टोर के ऊपर ले आएगा, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। सो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, एप्लीकेशन 2, ठीक है, अलाउ कर दो। उसके बाद डो नॉट शो अगेन, ओके पर टैप कीजिए। आपको बता दो दोस्तों इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए रूट एक्सेस होना चाहिए, विदाउट रूट ये एप्लीकेशन काम नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपके डिवाइस के ऊपर रूट एक्सेस होना चाहिए। एंड्रॉइड 6.0, एंड्रॉइड नोगाट, एंड्रॉइड ऑडियो, एंड्रॉइड पाइक के अंदर काम करेगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सिंपली दोस्तों आपको इसको इनेबल कर देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो इडोर यू आर ट्राइंग टू अप्लाई चेंजेस, इसके ऊपर अभी के लिए रूट एक्सेस नहीं है, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन की यूज करके आपको नहीं दिखा पा रहा हूं। अगर आपके डिवाइस के ऊपर रूट एक्सेस है तो आप बड़े ही आसानी से क्लिक कर सकते हो, इंटरनेट ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, पहले आपको दोस्तों वहां पर 60 FPS कर लो, उसके बाद ऑडियो प्रेफरेंस के अंदर आके यहां से इसको इनेबल कर दीजिए रूट करने के बाद। सो यहाँ पर रूट के साथ इस एप्लीकेशन को आपको इनेबल कर देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर कर लीजिए और स्क्रीन रिकॉर्डर को इनेबल करने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के दौरान आपके डिवाइस के ऊपर जो भी एक्टिविटी होगी, शायद आप पबजी खेलोगे, अगर आप पबजी खेलते हो तो पबजी के अंदर जो इंटरनल साउंड आता है वो भी रिकॉर्ड होगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इस ट्रिक को 100% वर्क करेगा अपने डिवाइस के ऊपर। आपको सिर्फ अपने डिवाइस को रूट करना होगा। अभी दोस्तों मेरे जो डिवाइस है ये रूट नहीं है, इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरे डिवाइस पर रूट एक्सेस आता है तो मैं इन फ्यूचर और एक वीडियो अपलोड करूंगा, इसलिए मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को दबा देते हो। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया जरूर से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। सो वेरी सिंपल, तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद सिर्फ सिलेक्ट कर लो। उसके बाद दोस्तों जो इंटरनल ऑडियो एप्लीकेशन है इसको इनेबल करके यहाँ से टिक करके अपने फ़ोन को रिबूट करना पड़ेगा। रिबूट करने के बाद आप सिंपली अपने डिवाइस के ऊपर इंटरनल ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। एनीवे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया जरूर से इस वीडियो को लाइक करके जाना।
हैव ए नाइस डे।